नाउ लेट्स स्टार्ट. कोई माय नहीं गॉड. बोलेगा, ओके. अरे आरएनए. कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। डोंट अटर अ वर्ड. आरएनए. ओके. तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टीआरएनए. ओके. टीआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए. दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए. टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए. ओके. So it is 10 to 25% of total RNA present in a cell. Are you getting it, bachcho? 10 to 15% of total RNA which is present in a cell. Total RNA. Aniket, are you getting it? Yes. It is also yes, synthesized sir. By nucleus as mRNA. So, oh, sorry. Pardon me. Can you please do the honors of speaking in a language which we are comfortable in? I think you are very comfortable in English. So it is synthesized. नहीं सर हिंदी बोलो. नहीं सर आप एकदम से transform क्यों हो जाते हो? वापस से आ दो. So it is synthesized in nucleus. सर ये okay. This won't let be me tell you. Anymore. Let me tell you this is this type of that means tRNA is soluble in NaCl solution. It is also known as, hence it is also known as soluble RNA. It is also known as sRNA. Okay. It is soluble in NaCl solution. NaCl solution. It is soluble. It is, oh. Sir, please, Hindi. Revati, नहीं दिखाने दे recording में. It is no sir. Revati, are you comfortable? पैसे मिल रहे हैं इनको English. No sir. Revati, are you comfortable? बच्चों सो वॉट आई एम सेइंग दैट सी आरएनए इज ऑफ थ्री टाइप्स. ओके. We have already completed with mRNA. Okay, that was messenger RNA. Okay, tRNA, that is transfer RNA. So it is 10 to 15% of total RNA which is found in a cell. Okay, it is also synthesized in nucleus as mRNA. Okay, it is soluble in NaCl solution. Hence, it is also known as sRNA. Okay, that is soluble RNA. Okay, well, it has one more name, that is adapter RNA. It is also known as adapter RNA. Why it is known as adapter RNA? We will come to know in few minutes. So it is also known as adapter RNA. Okay. मलयाली में बात करते हैं. अभिषेक का है बच्चो. इधर देखो इट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए. ओके. ये सबसे छोटा आरएनए है. इट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए. अभी समझ आए. ठीक है बोलो. कुछ कुछ समझ में आया. ये कोड वर्ड को ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड के फॉर्म में. ठीक है. अगर फंक्शन एक लाइन में मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि अब तो हम टी आर एन ए को ही पढ़ रहे हैं तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा ना. इसका स्ट्रक्चर काफी अजीब होता है ना. क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर है इसका. मैं ये लाइन हटाना चाहूंगा इस पे जो भी लिखा हुआ है. क्या मैं हटा दूं? ओके बच्चों ठीक है. आओ सो इट्स फंक्शन इज इट एक्ट्स एज अ करियर ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग. ओके. सो इट एक्ट्स एज करियर ऑफ amino acids at the time of protein synthesis. Okay. At the time of
प्रोटीन सिंथेसिस। मैं एक बात यहाँ पे आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। yes, कि mRNA, tRNA और RNA ये कैसे बन रहा है, ये हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के वक्त में पढ़ेंगे डिटेल में, यही क्लियर करना था। तो पहले वही पढ़ा देते? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, वहां पे खटाखट बता के निकल जाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिए कि mRNA tRNA होता क्या, वहां पे सीधा बताते तो फिर बोलते ये बताइए वो बताइए, कुछ समझ में नहीं। अब तो थोड़ा समझ में आया। तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एक बात और बता दूं, आरआरएनए का स्ट्रक्चर शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा कि उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है साइंटिस्ट को उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। अरे हंसने वाला बात था, चुप रहे लखनऊ। आप tRNA पढ़ा रहे हो RNA पढ़ा रहे हो? tRNA तो भी tRNA का तो स्ट्रक्चर था। हाँ तो हम उसी के बारे में तो बोल रहे हैं, क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा चलो माफ किया, इट्स ओके, तुमको बोलना चाहिए था अगर हम सॉरी बोलते थे। चलो आओ शुरू करें। उसने पहले ही बोल दिया आपको माफ किया, देखो टैलेंट। सर ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कोई बात नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ, है ना, कोई बात नहीं। ऐसे क्लोवर नहीं देखा तूने, सब दिल वाले पत्ते जो लगा दिए थे अपने नाम कैप्सिका, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करो। सॉरी सॉरी सर, गॉड सर, इतना ज्यादा साइलेंस मेंटेन करो। हाँ इतना नहीं कि हटा दे इसको, मेरी आवाज तो नहीं आ रही ना। हटा दो, हटा दे बच्चों। चलो मैं हटा ही देता हूँ, है ना? फिर ठीक है, सर को सुनाई नहीं देना चाहिए ना। चलो मैं इसे हटा दूँ, आवाज नहीं है। अच्छा हाँ सर हटा दो, एक मिनट। ये तो सबको पता ही होगा ना कि ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, या ये भी मुझे लिखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके आओ हम इसका मॉडल देखें, क्लोवर लीफ मॉडल। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं इसका मॉडल। सही बोल रही हो तुम, काफी ज्यादा, काफी जल्दी सीख गई प्रियंका। यस सर, थैंक यू दीपशिका। यस यहाँ पर प्रियंका ही एक अच्छी लड़की लगती है। थैंक यू सर। अब तो तारीफ क्यों सर, क्यों सारा सर अच्छे नहीं है? वो लड़की नहीं है, सर ने बोला है अच्छी लड़की। उसका कान बहुत तेज है ना, क्या करें। अरे उसके उसका दिमाग थोड़ा घुटनों में है ना, इसलिए। हाँ बात तो सही बोल रही, कोई गलत बात तो बोल नहीं सकते सर, बताए ने इसको ना। तो ये क्या बना रहे हो? ये क्लोवर मैं जो बना रहा हूँ मुझे बनाने दो, घर में क्लास टूटा देखो बच्चों, एक मिनट आरएनए, एक मिनट देखो, एक मिनट देखो, आरएनए ऐसे होता है ना लंबा, तो हमने इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके समझ गई करके कर रहे हो ये क्या है, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसा समझ जाओ ना, ये इसके जैसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी ये शुरू कहाँ से हुआ बच्चों? ये शुरू कहाँ से हुआ? फाइव एंड से, फाइव एंड, यह है इसका फाइव एंड, फाइव प्राइम, और ये ऐसे 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 चल के थ्री प्राइम पे खत्म हो गया।
Isn't it easy? Very easy, sir. Very, very easy. सर अभी आपने बोला था कि स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा. मैंने टीआरएनए का नहीं बोला था, आरआरएनए का बोला था. ठीक है, तो खुद को तुम. पर ये क्लोवर कहां से है? यही है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अब एक चीज यहां पर देख लो बच्चों, है ना. यहां पे एक चीज देख लो, यहां जो कोडिंग होगा वो कोड होगा लास्ट वाला तीन CCA. ये फिक्स्ड है CCA. और यहां पर आएगा अमाइनो एसिड. ठीक है, इसको कहते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, थ्री प्राइम वाला. इसको क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, AA बाइंडिंग साइट लिख दे शॉर्ट फॉर्म में. AA binding site, binding amino acid लिख लेना इसको. ठीक है ना, अच्छा लगेगा मुझे. लिख लिया? बोलो. CYTE वाला साइट और SITE वाला साइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? CYTE CITY वाला वो तो सिटी होता है ना. अरे नहीं नहीं सर, बात तो पूछती हूँ. क्या बोल रही हो? यही पूछ रही हूँ. अरे सर पढ़ाओ आगे. ठीक है, तो ये पेंसिल जैसे स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेन. ठीक है, तो थर्ड वाले आर्म पे क्या क्या होगा? CCA, ये फिक्स है, ये तो होगा ही होगा. और यहाँ पे होगा अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट. ठीक है, किसी को कोई कष्ट है बोलो. No, बताओ. बना ले हम. ठीक है, mRNA याद करो. mRNA का एक स्टार्ट कोडोन था. क्या था स्टार्ट कोडोन? रेवती बताएगी. रेवती क्या? क्या आग? AUG. लो अब वो बोल रही है तो लिखना पड़ेगा ना. मैंने लिख दिया. अब इस पे इसका एंटी कोडोन बनेगा इस पे. ठीक है, ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, हम लोग देखेंगे. बट तुम्हें ये याद रखना है कि ये क्या है? mRNA. क्या है बच्चों? mRNA. ये AUG है कहाँ? mRNA के स्टार्ट कोडोन पे, यहाँ. ठीक है, ये mRNA का mRNA के हिसाब से यहाँ पे कोडिंग बनता है. ठीक है, इसको कहते हैं एंटी कोडोन. तो एंटी कोडोन में क्या बनेगा मुझे बताएगी प्रियंका. प्रियंका मुझे बताओ, ए के जगह क्या लिखे यहाँ पे? ए के सामने क्या बनेगा जल्दी बताओ मुझे. टी आर यू 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 यू. थैंक यू. यू के आगे? यू ए सी. वेरी गुड, वेरी गुड. ये है एंटी कोडोन. क्या है बच्चों? एंटी कोडोन. कोडोन. ठीक है, इसको कहते हैं एंटी कोडोन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. वापस बताना क्या 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 गैप. इसको कहते हैं एंटी कोडोन. एमआरएनए का स्टार्ट कोडोन का एंटी कोडोन किस पे बनता है? टीआरएनए पे. कहाँ बनता है बच्चों? टीआरएनए पे. इसको कहते हैं रिकॉग्निशन लूप. एमआरएनए को रिकॉग्नाइज कर लेता है. ठीक है, उसके हिसाब से कोड बनाता है. चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. लो, लिख दो अनिकेत के लिए, है ना. ये जो साइट है, ये वाला लूप देखो, तीन लूप है. एक में ये लूप है, एक ये लूप है. एक को कहते हैं DHU लूप, ये वाले को. ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिकॉग्निशन लूप. इसको कहते हैं रिकॉग्निशन लूप. अब बोलो समझ में आया? mRNA के ऊपर जो भी कोड होगा उसका वो एंटी कोड बनेगा उसके ऊपर. किसके ऊपर? टीआरएनए के ऊपर. इनफैक्ट बनेगा क्या? होता है, क्योंकि एयूजी तो होता है, ये तो उसके बराबर ये बनता है. वैसे ये पूरा प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा ना, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेना. ट्रांसलेशन तो पढ़ना है ना, कैसे प्रोटीन बनता है. पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो. हाँ, तो बस अभी तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं बताया, लेकिन ये सब चीज याद रहेगा ना, तो ट्रांसक्रिप्शन में फिर मजा आ जाएगा मुझे, है ना.
बोलो ये रिकॉग्निशन लूप समझ में आया, यहाँ पे होता एंटीकोडोन प्रेजेंट, ठीक है आगे चले। फिर ऊपर वाले आए थे आपने दो, कहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, नहीं सर जो साइड वाले दो लूप थे उनका क्या नाम था, अभी मैं लिखवा रहा हूँ। वैसे एंटीकोडोन को नोडोक भी कहते हैं, या कोडोन नोडोक। ओ ये तो उल्टा हो गया। हाँ मतलब अरे कोडोन का उल्टा यार, उल्टा नोडोक हो गया। ओ, कितने क्रिएटिव माय भगवान जी। लेकिन फेमस नाम मार्केट में क्या है पता है, एंटीकोडोन। क्या है बच्चों एंटीकोडोन, इज दैट कूल? नहीं सर हम नोडोक यूज करेंगे। नोडोक यस सर, वो ज्यादा कूल है सर। ठीक है आगे चले। चलो इसको हम लोग कहेंगे टी लूप, इसको क्या कहेंगे बच्चों? टी लूप, इसको बोलते हैं टी लूप। यहाँ जो कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है यहाँ जो कोड प्रेजेंट होता है वो काफी खतरनाक वाला कोड होगा। ठीक है मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग ये कोड को देखो क्या है। वो कोड होता है जी टी पी सी जी, यहाँ पे पी मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना पी, एक्चुअली में ये पी नहीं होता है। ठीक है तो क्या इस पी के लिख रहे हो? इस पी के लिए यूज किया जाता है एक अलग चीज, एक अलग सिंबल, और वो सिंबल को कहते हैं क्या, मुझे तो नहीं पता लेकिन क्योंकि ये ग्रीक का एक सिंबल है, ठीक है लेकिन इसको कहते हैं स्यूडो यूरासिल। क्या कहते हैं? क्या बोल रही हो शिवानी? केमिस्ट्री में पढ़ एक सेकंड, क्या कुछ कुछ तो बोला है उसने पढ़ा था, कुछ मधुमक्खी की तरह इसने बोला है। में पढ़ा था सर पिछले साल वाटर वाला साई। अभी तुम पकड़ में आ चुकी हो साई। शिवानी तुमने अभी कुछ बोला है? बोला तो मैंने फिजिक्स में, फिजिक्स करी बायोलॉजी में शायद था। और तो कैसा लगा पढ़ के ये बताओ, पढ़ा तो याद क्यों नहीं है तुमको? हाँ मैंने बोला तो था, आपने ये सुना सब नहीं। ये सब बहुत गलत बात है, वेरी बैड। ठीक है वेरी वेरी बैड, स्यूडो यूरासिल को ही हम लोग स्यूडो यूरिडीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक नाम तो खुश नहीं होता क्या ये? जगह खत्म हो गई, कोई बात पहले बार इधर थोड़ा बड़ा बना है। स्मृति स्यूडो यूरिडीन नहीं, स्मृति होता है, स्मृति कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है मैं एक बात बता दूं, ये साइट का काम क्या है, ये है रिकॉग्निशन ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है, या राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट लिख सकती है। लिखने की भी जगह नहीं, आपको पता है, आपको पहले बताना है, पहले बताते हैं, हमने इतना छोटा सा बनाया है। ये है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, कोई नहीं नीचे अपने तो कर देते हैं। राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, रेवती तुम तो लिख रही हो ना, वो तो लिख ही रही हो, और प्रियंका का भी सब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, वो भी मैंने तो लिख दिया करेगा सर, लिख लिया सर मक्खी मार के। हाँ मुझे पता सर आप तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे थे, आप भूल जाते हो रोज। हाँ ये भूल जाते हैं। वैसे मुझे एक बात पता नहीं चला कि अभी तक तुम लोगों ने पूछा क्यों नहीं, बट चलो जब नहीं पूछा तो मैं ही बता देता हूँ। तुम लोगों ने गौर किया एक चीज टी लूप पे, रेवती से पहले पूछा, रेवती तुमने गौर किया कोड में कुछ भी? मैं बताती हूँ सर, ये एक्टिव बनने वाला है। नहीं नहीं टी टी कहाँ से आया, आरएनए में टी कहाँ से आया? गुआनिन थायमिन स्यूडो यूरासिल जिसको पी से लिख रहा है ना, फिर साइटोसिन फिर गुआनिन, तो इसमें थायमिन होता है बच्चों, इसमें थायमिन होता है, एरो मार के लिख लो। तुमसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि बच्चों ये बताओ टी आरएनए में थायमिन होता है, तो तुम बोलना यस सर होता है ना।
बोलो बोल सकते हो एक सेकेंड आप कॉन्ट्रेडिक्ट क्यों कर रहे हो आरएनए स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं हो गया फिर आरएनए नहीं ये सही है तो ये सही है ठीक है टी आरएनए का अगर पूछे तो टी लूप पे थायमिन होता है तुम तो देख रहे हो ना और अरे अपने आंखों से देख रहे हो नहीं आप तो नहीं आरएनए में देखो ज्ञान चक्षु खोल के देखो नहीं आरएनए में नहीं ठीक है ओके इज दैट ओके चलो अब मैं डी आई एच यू वाला अब मैं इस साइड का बात करूं अनिकेत क्या मैं शुरू करूं इधर का कहानी नहीं नहीं पहले बात है ना इतना बड़ा बनाना है तो बड़े इसको कहते हैं डी लूप क्या कहते हैं बच्चों डी लूप डी लूप डी लूप जी नहीं नहीं सॉरी ठीक है सॉरी तो डी लूप का असली नाम होता है डी आई एच यू लूप क्योंकि जैसे इसका जी टी पी सी जी था ना वैसे इसका होता है डी आई एच यू ये कौन नाम करते इनके नामकरण कौन करते सर मेरे को मिला दो मेरे को बस एक बार मर चुके हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं सॉरी देखो देखो मैं वापस मार दूंगा कोई बात नहीं बच्चों इसमें देखो मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा कि डी आई एच यू ये क्या होता है डाई हाइड्रो यूरिडीन डी एच यू का क्या मतलब हुआ डाई हाइड्रो यूरिडीन और आई का मतलब होता है आइनोसिन एक्चुअली ये सब जो है ना चाहे तुम जी टी पी सी जी देख लो डी आई एच यू ये सब है अबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस जैसे कि पी को यहाँ पे ले लो स्यूडो यूरासिल क्या है नॉर्मल नहीं है ये क्या है ये अबनॉर्मल है ठीक है ये जो डी एच यू है और आई ये क्या है अबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनता है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं बच्चों क्या होता है काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है समझ में आ रहा है क्या ये रिकॉग्निशन साइट सब क्या है मैं सब बताऊंगा काफी डिटेल में मैं जाऊंगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन में बताऊंगा प्रोटीन कैसे बनता है इस टी आर एन ए और एम आर एन ए रिकॉग्निशन साइट किसका है डी आई एच यू देखो तो डी एच यू को यहाँ पे क्या मैंने बोला बच्चों डी एच यू को मैंने क्या बोला डाइहाइड्रो यूरिडीन क्या बोला मैंने डाइहाइड्रो यूरिडीन मैं ऐसा बोल सकता हूँ ठीक है डाइहाइड्रो यूरिडीन ये डी आई एच यू था डी एच यू कब हुआ इसमें डी एच यू को बोलते हैं डाइहाइड्रो यूरिडीन ठीक है एक्चुअली आई को हो सकता है एक मिनट आई को कहीं साइड कर दो चलो मैं आई को साइड ही कर देता हूँ डी एच यू ही डालो तुम अपने मर्जी से सर मैंने मैंने लिख दिया पूरा सर कोई नहीं तो फिर वो भी सही है तो सर डाई क्या लिखा है वो डाई हाई डी एच अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे दोनों चीज लिख देता हूँ तुम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा सर ये आप बताओ आपको ये सब याद है या देख के लिखवा रहे हो हमें मुझे याद है टी आर एन ए सर कैसे याद है तुम फोन करना तुम्हें बताएंगे बायो पढ़ाते थे तो याद हो गया बायो 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 पढ़ाते थे चार घंटे ओ तो ठीक है और आई है यहाँ पर क्या है बच्चों आई यहाँ पे आइनोसिन क्या है आइनोसिन ये सब क्या है मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ ये सब है अबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस चाहे स्यूडो यूरासिल हो डी एच यू हो या आई ये सब क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस मैं कहाँ लिखूँ मैं भी वही सोच रही हूँ कहाँ दो लाइन में महाभारत लिखी है मैंने
अब मेरी जगह खत्म हो गई सर, अब नहीं है, अब मक्खी मार के भी नहीं लिख सकती। अब नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस की वजह से क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाता है ना। कौन कौन एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस है इनको छोड़ के? एक तो अनिकेत है, DHU को। ओ क्या जोक मारा है, ताली मार दो। अब नॉर्मल है पापा, ये झूठ नहीं बोलते पब्लिकली। ठीक है, तो ये है। अब मैं एक बात बता दूं, मैंने DIHU लुप क्यों लिखा था, मैं तुम लोगों को सच बात बताता हूं। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे एनसीईआरटी में, अरे नहीं, तुम्हारे एनसीईआरटी में हो सकता है DHU ही लुप किया हो, ठीक है, बट जब हायर क्लासेस में जाओगे, ठीक है, ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो तुमको DIHU की लुप तुमको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने लिख दिया था जो मैंने पढ़ा था, करंट। ठीक है, समझ में आया सर? वो बता दो ना कि अब नॉर्मल हाइड्रोजन बेस कौन-कौन से हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या है? हाँ, आप बोल लेने के, किससे का पूछो, बोल ना। अनिकेत तो है अब नॉर्मल ना, DIHU और स्यूडो यूरासिल वाला। देखो आइनोसिन, आइनोसिन है जो आई है, आइनोसिन ये भी अब नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, ये भी अब नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है। स्यूडो यूरासिल ये भी अब नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है। डाईहाइड्रो यूरिडीन ये भी एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है ये। समझ में आ रहा? मैं नहीं लिख रहा, कोई नहीं, छोड़ो आप। आगे बढ़ो। क्या नहीं बनाता सर, फिर से बताना। हाइड्रोजन बॉन्ड से लिखा हुआ है, नो हाइड्रोजन। अच्छा हाँ, ओके सर। आप बोर्ड पे कब से पढ़ा रहे हो, इसलिए मचा रहे हो। ये था स्ट्रक्चर इसके बारे में। ठीक है, इसका फंक्शन हम लोग डिटेल में ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। जैसे तुम लोगों को रेप्लिकेशन में मैंने एक एक चीज बताया, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जब पढ़ लोगे तो ये चाहे tRNA हो, mRNA हो, हम कहते हैं RNA हो पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा RNA तुम पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन में कि कैसे बन रहा है। ठीक है, चाहे mRNA, tRNA, RNA, और बनने के बाद वो प्रोटीन कैसे बना रहा है वो ट्रांसलेशन में हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए अभी कोई भी तुम लोगों को कष्ट ना होना चाहिए। ठीक है, मैं ये अभी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तुम लोगों को ये पता हो कि अच्छा अच्छा ऐसा नाम का कुछ चीज होता है बस। ठीक है, तो ये समझ तो नहीं आया, मतलब ये पढ़ तो लिया लेकिन थोड़ा आया। मैंने बस ये बोला कि ये कोडिंग वाला चीज है, बस इतना समझ रहा हूँ। ये मतलब कि tRNA का ऐसा स्ट्रक्चर है, इतना समझ में आया कि ये भी समझ में नहीं आया, अब इतना बताओ। याद नहीं करना ना। ठीक है, बस इतना याद रखना कि ये tRNA नाम का कोई चीज होता है RNA में, और इससे पहले जो 2-3-5 बात लिखाए थे, 3-5 वो याद रखना, और ये अपने। ठीक है, बोलो ये हो पाएगा? ओके, याद कहाँ से करें, 3-5 कौन सी थी इससे पहले लिखवाए थे। ठीक है, और तुम लोगों को उसके बाद मैं PDF दूंगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से पहले। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में मुझे थोड़ा सा भी कुछ नहीं चाहिए, गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ट्रांसक्रिप्शन में भी काफी इत्मीनान से पढ़ाना चाहता हूँ, वो भी डिटेल में, काफी ज्यादा डिटेल में। इज दैट ओके? बोर्ड का इस्तेमाल करना, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स का यूज करना। चलो बच्चों, पर मिलते हैं, बाय।